ओम भूर्भुवः भूव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवास्व धीमह यो नहा परचो दयात ओम शांति 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 ही पहले भाग में मैंने जो है महर्षि याग्नवाल और उनकी धर्मपत्नी विदुषी मैत्री का संवाद का आधा पाठ जो है हिस्सा मैंने कल के वीडियो में दिया था आज आगे का भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ माया के बारे में मैत्री जो है महर्षि याग्नवाल क्या कहते हैं हे मैत्री माया का कथन कौन कर सका है जो कुछ इंद्रियों और मन आदि का विषय है वह सब माया है हे मैत्री तुम माया के पीछे मत पड़ो अगर तुम माया का अनुभव करती रहोगी तो तुम भी माया की तरह चंचल दुखी नाशवान हो जाओगी संघ का बड़ा असर होता है संग ही से अच्छे बुरे हो जाते हैं और बुरे अच्छे हो जाते हैं सुसंग बनाता है कुसंग बिगाड़ता है संग दो प्रकार का होता है एक देही संग दूसरा आत्मिक या व्यक्ति संग जगह जीवों के रहने से होता है और आत्मिक संग मन व्यक्ति या ख्याल को किसी के साथ लगाने से होता है देही संघ का असर कम होता है पर आत्मिक संघ का असर इतना बड़ा होता है कि कभी साधक साध्य की तरह हो जाता है और कभी साध्य साधक की तरह हो जाता है जैसे हिरणय कशिप सदा विष्णु भगवान को अपने मन में शत्रु भाव से देखता था यानी उसकी व्यक्ति दुष्ट भाव करके परमात्मा से लगी हुई या निरंतर संके हुई रहती थी इस कारण उसका जीव शरीर त्यागने के पश्चात प्रभु की ऐसा होकर उसमें लीन हो गया यह उदाहरण साधक के साथ हो जाने का है भृंगी जब झिंगुर को पकड़ लेती है तो उसको अहरनिस्ट से दबाए रहती है और उसकी कान में भिन्न भिन्न का शब्द किया करती है और इसका फल यह होता है कि वह भृंगी बन जाती है यह साधक के साधक होने का उदाहरण है अगर साध्य बलवान है तो साधक को अपना ऐसा अपना ऐसा बना लेता है और अगर साधक बलवान है तो वह साधक को अपना जैसा बना लेता है हे मैत्री इसी वास्ते ब्रह्मवादियों ने माया का बहुत कथन नहीं किया है क्योंकि उसका कथन करना व्यर्थ है उसकी अधिष्ठान चेतन का कथन श्रोती बारंबार करती है ताकि मुमुख सुपुरुषों की व्यक्ति उसमें लगकर उसी सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाए और आवागमन से रहित हो जाए हे मैत्री जब पुरुष कोई देखी हुई वस्तु जगह या दूसरे पुरुष को स्मरण करता है तो चाहे वह कितनी ही दूर पर हो वे और मध्य में चाहे कितनी ही पड़े किसी को न देखकर उस वस्तु जगह या पुरुष को ऐसी साक्षात दिखाती है कि मानव वह नेत्र के सामने ही खड़े हैं इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों के मन रूप नेत्र माया और माया के कार्य को न देखते हुए उसके अधिष्ठान चेतन निरंतर ऐसी टकटकी बांधे रहते हैं जैसे कि चकोर चंद्रमा की ओर और, और उनके हृदय रूपी चंद्रमा रूपी चेतन आत्मा की त्रफ, फिरते ही आनंद से खिल जाती है और उसके रस का स्वाद लेने लगती है या जैसे मधुकर खिले हुए कमल के अभ्यंतर प्रवेश कर पराग का रस लेता है और उसके इर्द गिर्द की सामग्री से कोई प्रयोजन नहीं रखता यहाँ तक कि उनकी ओर देखता भी नहीं है इसी तरह से ज्ञानी का मन रूपी भंवर चेतन रूपी पराग पर बैठकर मस्त हो जाता है और माया जो चेतन को आच्छादित की रहती है उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालता है इसलिए उसके होते हुए वे भी वह नये होने के बराबर है हे मैत्री जितने लोग हैं वे दूसरे करके प्रकाशमान हैं स्वयं प्रकाशमान नहीं है पर आत्मा स्वयं प्रकाशमान है इसको न सूर्य न चंद्रमा तारागण ने, 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 ने अग्नि प्रकाश कर सके हैं शोपन अवस्था में यात्मा अपने प्रकाश करके सब पदार्थों को देखता है वह सूर्य चंद्र तारागण पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश वृक्ष जीव जंतु कीड़ी मकोड़े नदी नाली पहाड़ देव किन्नर मनुष्य आदि सबको अपने में उत्पन्न करके उनके साथ विहार करता है और जो सुसुप्ति में जाता है किसी का पता नहीं लगता है सबको अपने में लूप कर लेता है जैसे मकड़ी अपने से ज़्यादा को उत्पन्न करके अपने में ही ले कर लेती है हे मैत्री दुख और भय अंतकरण विशिष्ट चेतन को होता है केवल चेतन आत्मा को नहीं सुसुप्ति अवस्था में मन बुद्धि और अहंकार लय रहते हैं केवल चेतन आत्मा जागता रहता है जब पुरुष सुसुप्ति अवस्था में होता है तब अगर उसके पास चाहे शत्रु तलवार लेकर मारने के वास्ते खड़ा हो चाहे राजा पकड़ने को सब आया हो चाहे मृत्यु भगवान लेने के वास्ते पधारे हों वह सोया हुआ पुरुष अपने आनंद में मस्त है मगर जो मन बुद्धि अहंकार जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं और पुरुष उठकर बैठ जाता है तभी उसको वह होने लगता है। सत्रुवादी को देखकर भागता है, है नाश रहित है, है हे मैत्री इस गति को वही जीतेगी जीते जी प्राप्त होता है जिसकी व्यक्ति अपने लक्ष्य चेतन आत्मा से कभी नहीं हटती है हे मैत्री सुनो जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य गण पांडववादी को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण करके देखना चाहा कि सब में कौन से श्रेष्ठ है इस प्रयोजन से एक अति छोटी चिड़िया लकड़ी की बनवा कर उसकी टोंट जो एक तिल के बराबर थी उसको लाल रंग कर एक दूर के वृक्ष की चोटी पर खड़ी कर दी और अपने शिष्यगण राजपुत्रों से कहा कि हर एक तुम में से बाण अनुसंधान करो और चिड़िया की टोंट को लक्ष्य करके बताओ कि तुम क्या क्या देखते हो युधिष्ट ने लक्ष्य लगाकर कहा कि मैं आपको वृक्ष को और सब आपके को 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 और के को देखता हूं। इस बात को सुनकर को रंज हुआ और उस युधिष्ट को तिरस्कार की दृष्टि से देख करके अलग कर दिया इस प्रकार औरों का भी जांच किया मगर कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तब सब के पीछे अर्जुन को बुलाकर कहा पुत्र मेरे मनोरथ को स्वीक करो उसने तीर को धनुष पर रखकर लक्ष्य किया तब द्रोणाचार्य ने कहा तुम किस किस को देखता है उसने कहा कि हे महाराज चिड़िया की टोंट के अग्रभाग के सिवाय और कुछ नहीं देखता हूँ मेरे को न अपना न वृक्ष का न पृथ्वी का न आकाश का और न मनुष्य आदि का पता है मुझको जो कुछ दिखता है वह चिड़िया की टोंट दिखाई देती है द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और कहा तीर चला उसने तीर चला धम से चिड़िया नीचे गिर पड़ी हे मैत्री जब चित्त की वृत्ति ऐसी ही लक्ष्य रूपी आत्मा में लगती है तब पुरुष अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होकर संसार के दुखों से छूट जाता है देखो एक कहानी का रूप दिया है लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना उस टाइम केवल हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ ये ही जो है कंसंट्रेशन में होना चाहिए मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ जब इसका अभ्यास हो जाएगा और ध्यान हमारा उच्च अवस्था में पहुँच जाएगा तो समझो हमारा जो है सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार का समय पहुँचा हुआ हो जाता है हे hey मैत्री, सुनो जीवो के शरीर विषय पांच कोष हैं: अन्न में कोश स्थूल शरीर प्राण में कोश मनोमय कोष विज्ञान में कोश और आनंद में कोश इन सब में आत्मा व्यापक है परंतु जितना ही उपाधि कोष शुद्ध है उतना ही उसमें आत्मा का प्रकाश विशेष है सबसे अधिक आनंद में कोश शुद्ध है इसलिए उसमें आत्मा का प्रकाश भी विशेष दिखाई देता है आनंद में कोष के अभ्यंतर जो आत्मा का प्रकाश है वह और उसका आभास जो उपाधि के संबंध से उत्पन्न हुआ है दोनों मिलकर विज्ञान में कोश को विशेष प्रकाश दें इसी तरह विज्ञान में कोश मनो में कोश को मनो में कोश प्राणायाम कोश को और प्राण में कोश अन्न में कोश यानी स्थूल शरीर को प्रकाश करता इसी कारण जब तक जीव में जीव है तब तक मंगल रूप है जब जीव चला जाता है तब शरीर अमंगल हो जाता है उसके छूने में भी अपवित्रता है। पुरुष हैं, वे सदा कोसों में रहते हुए चेतन आत्मा का अनुभव करते हैं और ऐसे अनुभव करते करते वह शरीर रखते हुए भी ब्रह्म रूप हो जाते हैं ये जीवन मुक्त कहलाते हैं मतलब जीवन रहते रहते मां समाधि लेने से पहले ही ये जीवन मुक्त कहलाते हैं उनमें और ब्रह्म में कोई भेद रंच मात रंचक मात्र भी नहीं है हे मैत्री सुनो संसार में यावत वस्तु हैं वे सब तम करके नाम रूप से रहित आच्छादित हैं जब सूर्य है, जो अग्नि का विशेष रूप है उदय होता है तब संसार और संसार की वस्तु दिखाई देने लगती हैं और उनके साथ नाम रूप भी प्रतीत होने लगते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है और वर्षा ऋतु में मेघ से सब तारे गण छिप जाते हैं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है न उस वस्तु का उसमें कोई रूप है और न नाम है इसी प्रकार जब विशेष चेतनात्मा के सामने मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण स्थित रहते हैं तब तक उनका रूप नाम कार्य आदि बने रहते हैं और ज्यों ही विशेष आत्मा से अलग भय फिर उनका पता नहीं लगता है हे मैत्री यह आत्मा का प्रकाश उसमें दिखाई देता है जब सब बाह्य आकाश का अभाव हो जाता है जब सूर्य अस्त हो जाता है तब पुरुष अपना कार्य चंद्र आदि नक्षत्र गणों के प्रकाश से करता है और जहाँ यह नहीं है वहाँ दीपक आदि को जलाकर काम करता है जहाँ दीपक आदि भी नहीं है वहाँ शब्द को सुनकर काम करता है और जहाँ शब्द भी नहीं है और जैसे स्वपन में वहां आत्मा स्वयं प्रकाश होकर मनादि के व्यवहार को देखता है यह उसकी एकथनीय महिमा है मैत्री मैत्री पुषती हैं हे भगवान सुसुप्ति अवस्था में यह चेतन आत्मा क्यों नहीं स्वयं प्रकाश होता है का इसका जवाब देते हे मैत्री सुसुप्ति अवस्था में भी वह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है क्योंकि वहां दो वस्तु हैं एक तो अज्ञान दूसरा आनंद इन दोनों का दृष्टा आत्मा बना रहता है परंतु स्वप्न में तो अज्ञान का कार्य अनेक प्रकार का प्रपंच है, है और सुसुप्ति में जो आदि कारण अति अज्ञान है और जो अपना वास्तविक स्वरूप आनंद है उसका दृष्टा यह आत्मा रहता है यदि आत्मा स्वयं प्रकाश न हो गए तो दृष्टा भी न होवे और सुसुप्ति में आत्मा स्वतः सामान्य रूप से स्थित है इसलिए वह सूक्ष्म वस्तु को अनुभव करता है और जागृत में मन बुद्धि आदि को के संबंध होने से उस सूक्ष्म वस्तु के अनुभव किए हुए को स्मरण करके लोगों के पूछने पर कहता है कि मैं ऐसा आनंद से सोया कि खबर नहीं रही हे मैत्री अब तुमको मालूम हो गया होगा कि यह आत्मा सदा एक रस सबका दृष्टा है वह जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में सारी अवस्थाओं में जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित है हे मैत्री मैं तुमसे कह चुका हूं कि आत्मा दृष्टा दृश्य दोनों रूप से स्थित है उपाधि करके एक अवस्था में दृष्टा कहलाता है दूसरी अवस्था में वही दृश्य देखो सर सरसों के बीच तेल निकाला जाता है वह तेल दृश्य है परंतु जब मृतिका के दीप में तेल रखा जाता है और दीपक के अंदर रुई की बत्ती बनाकर रखी जाती है और फिर वह बत्ती जला दी जाती है तब वही दीपक भी पेथित तेल प्रकाश करते हुए और तेलों का जो उसके प्रकाश में रखे हैं दृष्टा कहलाता है ऐसे ही सामान्य चेतन आत्मा व्यापक होकर स्थित है और जो कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि के हैं सब वही रूप हैं और इस अवस्था में न दृष्टा है और न दृश्य पर जब आत्मा मन बुद्धि आदि के आदिकों के संकर के सामान्य अंश से विशेष अंश को प्राप्त होता है तब वह दृष्टा है और सब दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य में वास्तविक करके कोई भेद नहीं है पर अवस्था करके भेद है जैसे समुद्र और लहर में जल और बर्फ में सोना और सोने की अंगूठी में से कोई भेद वास्तव करके नहीं है पर अवस्था करके अवश्य है मैत्री हिप्र जैसे अंगूठी है और औरत का हार है दोनों में बेसिक चीज क्या है सोना है ठीक है ना तो हम अंगूठी और आ, हार को जो है गले का जो हार है उसको पिंग ला दें तो सोना ही है वास्तविक जो चीज है मूल चीज है मैत्री हे प्रभु आपने कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वप्न अवस्था में रहता है सो ठीक है पर वह है सुसुप्ति अवस्था में तो स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है बल कहते हैं हे मैत्री सुसुप्ती अवस्था में धी आत्मा स्वयं प्रकाश है परंतु उस अवस्था में यह आत्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है और बिना रजोगुण के केवल तमोगुण किसी कार्य करने में असमर्थ है इसलिए आत्मा सुसुप्ति में किसी व्यवहार या प्रपंच का दृष्टा देखिए जो तमोगुण है वो तो पूरा आलसी है उसमें एक्टिविटी होती नहीं है तो तमोगुण है तो एक्टिविटी के लिए रजोगुण का होना जरूरी है रजोगुण जिसमें है वही एक्टिव है केवल अविद्या का दृष्टा रहता है और इसी कारण से वे अज्ञानता को अनुभव करता है और जागृत में आन कर कहता है कि मैं ऐसा सोया कि खबर नहीं रही और इसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूपानंद को भी सुसुप्ति में अनुभव करता है इसलिए पुरुष उठकर कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया सुसूप्ती अवस्था में केवल दो ही वस्तु यानी एक मूला ज्ञान और दूसरा आनंद रहता है जहाँ आनंद है वहीं सत और चित भी है और यह आत्मा इन दोनों को अनुभव करता है देखना और अनुभव करना एक ही बात है किंतु अनुभव करना देखने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है आनंद देखा नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है सकता है जैसे वर्षा काल में मेघ से गिरी हुई अंधेरी रात्रि में चरम दृष्टि कुछ नहीं देखती है तैसे ही यह आत्मा तमोगुण से आच्छादित हुआ हुआ अविद्या और अविद्या की सुसुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था की तरह अति सूक्ष्म कार्य को नहीं देखता है अलबत्ता उसका अनुभव करता है हे मैत्री यद्यपि सुसुप्ति अवस्था में आनंद अविद्या के साथ है तो भी इस आनंद के लिए सब चीज़ों की बड़ी इच्छा होती है बालक जिसको नींद आकर जब घेर लेती है तब तो वह मोदकादि को जो उसको बहुत ही प्रिय है त्याग देता है युवावस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तरुण तरुणी को जो तरुण की उमंगता को प्राप्त है और उसके साथ मनोरंजन करने की इच्छा भी है परंतु सुसुप्ति अवस्था आते ही उसको भी त्याग देता है यदि पुरुष को तो आनंद मिले तो फिर वित्त आनंद की तरह कभी मूंग कर सकता है कभी नहीं हे मैत्री जब पुरुष की अविद्या दूर हो जाती है और ज्ञान उदय होता है तब तो उसकी वह तुर्यावस्था कहलाती है इस अवस्था में आनंद तो के आनंद के तुल्य होता है ये जो तूरिया है ये है सुपर कॉन्शियस स्टेट जिसमें मन जो है मन और ईगो खत्म हो जाते हैं और ज्ञान जागृत के ज्ञान के तुल्य होता है इस अवस्था में निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है जब पुरुष अपने सच्चिदानंद स्वरूप के समुद्र में मगन हो जाता है तब उसकी वह अवस्था तुरियातीत कही जाती है तुरियातीत का मतलब तुर्यावस्था से भी ऊपर ब्रह्म में समझो एक प्रकार से लीन होना तुरियातीत को प्राप्त हुए पुरुष का शरीर 21 दिन से अधिक नहीं रहता है क्योंकि वो ब्रह्म लीन कहलाता है इस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष आवागमन से रहित हो जाता है हे मैत्री यदि शरीर रखते हुए पुरुष का चेतन के विलास में आह्वादित है तो वह ब्रह्म के आनंद को प्राप्त है जो जीव और मन से एक बार संवाद हुआ है उसको मैं तुम्हारे हर्षार्थ कहता हूँ सुनो जीव हे जीव जो है मतलब ये अब महिगवल जीव के बिहाफ पर बोल रहे हैं जीव क्या कहता है हे hey, प्यारे मन तेरा मेरा सात करोड़ों जन्म जन्मांतर से चला आता है तूने अपनी हरी भरी वाटिका दिखाकर मुझको मोहित कर रखा है और अपने को भूलकर मैं तेरा दास बन गया हूँ बता तू कौन है और अब तेरी क्या इच्छा है <clears throat> मन क्या जवाब देता है हे जीव यद्यपि आप इच्छा रहित हैं पर मेरे प्रसाद द्वारा आपने क्या क्या नहीं भोगा है राजा हुए महाराजा हुए सूर्यीर हुए इंद्र कहलाए पर्वत वृक्ष आदि जड़ पदार्थों से मैंने आपको निकाला आदि से बाहर लाया कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि से मनुष्य योनि को प्राप्त किया और फिर ब्रह्म ऋषि योनि को प्राप्त किया अब आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या मेरी इच्छा है जीव बोलता है हे मन तूने उत्कृष्ट योनियों को तो कहा पर निकृष्ट योनियों को जो तेरे सबब से मुझको प्राप्त हुई तूने नहीं कहा मैं अब उन बुरी योनियों को अनुभव करके पछताता हूँ तुझे करके तुझ करके मैंने अनेक दुख उठाए हैं स्वर्ग से नरक को गया देव से चांडाल बना मलमूत्र में पड़ा रहा फिर जो जो दुर्दशा हुई है उसको मैं ही जानता हूँ मन जवाब देता है हे जीव साथ में अच्छा और बुरा दोनों भोगने पड़ते हैं आप मेरा हाल नहीं देखते हैं कि विषयों के साथ विषयाकार मेरी वृत्ति होती है और ब्रह्म के साथ ब्रह्माकार वृत्ति होती है विषय के साथ दुख उठाता हूँ क्योंकि विषय दुख रूप है और ब्रह्म के साथ आनंद भोगता हूँ क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है जीव हे मन मालूम होता है कि किसी महात्मा ने तेरी वृत्ति फिर दी है यह तेरी वृत्ति की ब्रह्म आनंद रूप है और इसके साथ मिलकर आनंदित हो जाता हूँ बिना उपदेश किसी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के नहीं हो सकी है सकती है मन कहता है हे जीव क्या आपको मालूम नहीं है कि जब मुझ मुझ करके प्रेर हुआ प्रेरा हुआ अज्ञानता में पड़कर बहुत काल पर्यंत अपने दुख उठाया था और फिर अपने न्यून पुरुषार्थ करके कुछ काल शुभ कार्य किया और फिर सुख भोग करके मृत्यु लोक में आई और ऊपर के लोगों को गई इस तरह आपको जाते आते जब घृणा हुई तब आपने विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुख का आश्रय किया और निष्काम कर्मों कर्म को करके मेरे को ईश्वर की ओर लगाया हे जीव यद्यपि आप अजर अमर निसंग निष्काम वासना रहित ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप हैं पर जो आपने मेरे में अपना घर बना लिया है इसलिए जैसे जैसे मेरी वृत्ति होती है वैसे वैसे आप भी भाँसने लगते हैं जैसे कोई चिड़िया एक छोटी पतली डाली पर बैठी हुई है जैसे जैसे डाली हिलती है वैसे वैसे भी हिलती प्रतीत होती है यद्यपि वह अपनी इच्छा से कभी नहीं हिलती है हे हे जीव 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 बिना मेरी कृपा के आपका उधार कभी नहीं हो सकता है जीव, जीव कहता है कहता मन यह तेरा कहना तब तक ठीक था जब तक मैं अपने स्वरूप से चुप था तू क्या अपने को स्वयं चेतन समझता है तू बिल्कुल काष्टव जड़ है तू कार्य के करने में असमर्थ है मेरी सत्ता को लेकर तू शक्तिमान है मेरी सत्ता से प्रत्येक तेरी कोई सत्ता नहीं है मैंने जब तक अपने को तुझसे अलग नहीं जाना था तब तक मैं तेरे साथ दुख सुख भोगता था सुन मैं तुझसे एक और वार्ता करूँ देखिए माइंड मैं, माइंड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है माइंड का माइंड कहाँ से शक्ति लेता है आत्मा से इसका सोर्स क्या है स्रोत क्या है आत्मा माइंड जो है वो आत्मा से पैदा होता है माइंड की जितनी एक्टिविटीज हैं उनकी पावर शक्ति मिलती है आत्मा से ठीक है ना एक समय एक सिंगनी बच्चा देते समय मर गई उस बच्चे को एक गडरिए ने पाला और वह भीड़ों के साथ रहने लगा रहते रहते उसने भीड़ के सब गुणों को ग्रहण कर लिया और अपने को एक भीड़ समझने लगा एक दफा एक सिंह ने उसको देखा सोचा कि यह हमारी जाति का है यह भेड़ कैसे हो गया उसके ऊपर दया आई कूद कर उसको पकड़ लिया वह चिल्लाया लगा मैं भेड़ तू मुझको मत खा उसने कहा तू तू नहीं तो सिंह है जब उसको किसी तरह से भी विश्वास नहीं आया तब उस सिंह ने उसको ले जाकर एक कुएं की जगत पर खड़ा होकर कहा कि तू अपने मुंह को और मेरे मुंह को कुएं के पानी में देख और बता कोई भेद है उस बच्चे ने वैसे ही किया और कहा कि कोई भेद नहीं मालूम होता है तब फिर सिंह ने कहा कि आपने आकार को भेड़ों के आकार से मिला मिलता कर की नहीं उसने वैसा ही करके कहा कि भेड़ों से मैं भिन्न हूँ तब सिंह ने कहा कि अपने आकार को भेड़ों के आकार से मिला क्या वो मिलता है कि नहीं उसने वैसा ही करके कहा कि भेड़ों से मैं भिन्न हूँ तब सिंह ने कहा कि जैसे मैं बोलता हूँ कूदता हूँ वैसे ही तू भी कर वैस वह वैसे ही गर्जने लगा और कूदने लगा सिंह ने कहा मैं सिंह हूँ प्राकर्मी हूँ ये सब भेड़ मेरे भोग हैं, मेरी गर्ज के सामने ये कोई ठहरते नहीं हैं तू भी मेरी तरह गर्ज उसने गर्जा सब भेड़ें भागी वह बच्चा हंसा और अपने वास्तविक स्वरूप को पा करके अपने को को सिंह अनुभव करने लगा और आनंद को प्राप्त हुआ। ये जो दिया है एग्जाम्पल क्या है कि हमारी आत्मा जो है ईगो और मन के प्रभाव में आकर के अपना अस्तित्व एक प्रकार से भुला देते हैं हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं हम आत्मा का जो अस्तित्व है मन और ईगो के चक्कर में पड़ के उस आत्मा के अस्तित्व को कंप्लीटली भुला देते हैं जैसे कि शेर के बच्ची के साथ हुआ था मैं अपने असली निर्भय अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त हो अब तुम भाग नहीं तो तुझको भक्सन कर जाऊंगा <coughs> मन वह अपने अच्छा साथ का बदला दिया में लिखा है कि अगर कोई किसी के साथ, साथ पद प्रियंत चले तो वह उसका मित्र बन जाता है और फिर उसका साथ नहीं छोड़ता है <coughs> मैंने आपका साथ करोड़ों वर्षों तक किया आप अब मुझको भक्षण करने को तैयार हो सुनो युधिष्ट महाराज ने कुत्ते को जिसने केवल एक महीने का साथ किया था सौरभ को ले जाने को तैयार हुए जब भगवान कृष्ण चंद्र महाराज ने शरीर को त्याग किया और पांडवों ने रहना पृथ्वी पर अयोग्य समझा तब उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य देकर शरीर त्यागार था पर्वत को सुधारे उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया जहाँ जहाँ वह ठहरते वहाँ वहाँ वह भी ठहरता था और जो कुछ वह खाते थे वह भी खाता था जब भीम अर्जुन सहदेव नकुल और द्रुप दिगाते देह त्याग हो गया केवल धर्मारूढ़ केवल धर्मारूढ़ सत्यवादी श्री युधिष्ठिर महाराज बाकी रह गए तब स्वर्ग लोक से ऐसा प्रकाश करता हुआ विमान चला आता था मानो चंद्रमा गंगन मंडल से नीचे के लोक पर प्रकाश करता हुआ और आनंद की वर्षा करता हुआ चला आता है और जब हिमालय की शीतल भूमि पर पहुंचा देवगण जो महाराज को लेने आए थे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा कि हे स्वामी हे सत्यवादी पुरुष आप संदेश स्वर्ग को चलिए और अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न की हुई भोगों को भोगिए। युधिष्ट महाराज ने उत्तर दिया कि पहले इस कुत्ते को जिसने मेरा साथ एक महीने तक दिया है विमान पर बैठा लो उसके पीछे मैं भी बैठ लूंगा देवताओं ने कहा कि कहीं कुत्ता भी स्वर्ग को जाता है अब तक तो कोई बड़े बड़े शुभकर्मी लोग भी संदेह नहीं गए हैं सदेह है नहीं गए हैं कुत्ते को कौन कहे राजा ने कहा आपका सवर लोग आपके पास रहे मैं अधर्म करके और पाप संयुक्त होकर के ऐसे सवर को नहीं जाना चाहता हूँ यह संभव है कि सवर त्याग दूं सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हो जाए पर मैं अपने साथी को त्याग कर सवर को जाऊं यह असंभव है धर्मराज महाराज जो उस कुत्ते के स्वरूप में थे प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र तेरी परीक्षार्थ तो ऐसा मैं कुत्ता बनाता तू आपत्ति काल में भी अपने धर्म से चुप्त नहीं हुआ तेरा यश संसार में सदा प्रथित रहेगा यह कहकर गुम हो गए गुप्त हो गए और युधिष्ठ महाराज सौर को पधारे हे जीव जरा आप सोचिए क्या आपका यही धर्म है कि मुझको नाश कर देवे जीव कहता है हे मन ये जीव का मतलब आत्मा है जीवात्मा हे मन तू सत्य कहता है मैं तुझको उस स्थान को पहुंचा दूंगा जहां से तू तो निकल कर आया है तू अनेक कल्पों से भटकता हुआ फिरता है तू माँ आनंद समुद्र से निकलकर विषयों की तरफ दौड़ पड़ा है और जैसे भ्रमर अनेक कलियों पर बैठकर रस लेता है पर तुच्छ आनंद से तृप्त न होकर भागता फिरता है वैसे ही तू भी विषयों में आनंद को न पाकर भ्रमण किया करता फिरता है हे मन तू अब अपनी व्यर्थी को बाहर से खींच कर अंतर्मुख कर क्योंकि जब इंद्रिय बाहर की ओर दौड़ती हैं तब तो भी उनके साथ होकर बाह्य विषाकार बनकर और उसके संस्कार को अंदर लाकर अनंतकरण रूपी दर्पण में डालता है और तब उसका आकार जैसे बाहर था वैसा ही अंदर पड़ा रहता है और उसकी बुद्धि वृत्ति निश्चय करती है और अहंकार व्यक्ति दृढ़ करती है कि यह अमुक वस्तु वैसे ही जब तेरी वृत्ति अंतर्मुख होगी तो अपने अधिष्ठान चेतन ब्रह्म को अवलंबन करके ब्रह्माकार बन जाएगा और चूंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है तो भी अखंड आनंद को प्राप्त होकर मगन हो जाएगा और आवागमन से रहो मैंने मन और आत्मा का जो संबंध है इस पर एक अलग से वीडियो दिया हुआ है <coughs> मन की जब हम डायरेक्शन अंदर की तरफ मतलब स्पिरिचुअल हार्ट की तरफ कर देते हैं तो मन जो है स्पिरिचुअल हार्ट में एंट्री करता है और वो आत्मा में समाहित हो जाता है मतलब कहने का आत्मा उसका जो सोर्स है वो सोर्स की तरफ चला जाता है सूर्य में समाहित हो जाता है क्योंकि मन का अपना जो है सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है वो तो आत्मा के शक्ति से ही जो है अपना कार्यकलाप करता है मन कहता है हे hey जीव मैं आपको इस उपदेश के बदले धन्यवाद देता हूँ और अब ऐसे ही करूंगा जैसे आप कहते हैं इसमें आपका भी कल्याण है क्योंकि आप भी मेरे साथ आवागमन से छूट जाएंगे जीव कहता है हे मन तू क्या कहता है तेरे पुरुषार्थ से मेरा क्या उद्धार हो सकता है मैं सदा असंग निर्लेप अद्वैत आनंद स्वरूप है मेरे में न बंद है न मोक्ष है तेरे समन से मेरे में बंद अग्नि लोहत भाषता था अब तू जब अलग हो जाएगा मैं ज्यो का त्यू रहूंगा मेरे में तीन काल भी आना जाना नहीं हुआ अब तू जैसा मैंने कहा है कर मन कहता है हे जीव अब जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा देखो मैं विषयों की ओर से हटता हूँ और आनंद समुद्र ब्रह्म की ओर जाता हूँ ब्रह्म की ओर जाता हूँ मतलब स्पिरिचुअल हार्ट में जाता हूँ और आत्मा से आत्मा में समाहित हो जाऊँगा यागविल के कहते हैं हे मैत्री मन ब्रह्मानंद समुद्र की तरफ दौड़ पड़ा मतलब आत्मा की तरफ दौड़ पड़ा और अखंड आनंद को पा करके निर्व्यापार होता हुआ उसमें डूब गया और फिर ने निकला उसके डूबते ही जीव भ्रम से रहित होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पा करके हर्ष को प्राप्त हुआ और जो कुछ की वह मन के साथ असंख्य युगों पर्यंत भ्रम करता भ्रमण करता रहा उसको शोपनगत व्यवहार जाना ही मैत्री या पुरुष सदा मुक्त है मन के संबंध से बंधा हुआ प्रतीत होता है जहां मन अलग हुआ तो बंधन रहित हुआ अब तुम बताओ कि इस मेरे व्याख्यान से तुम तो महर्षि रामन ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम जो हैं सेल्फ रियलाइज ऑलरेडी हैं हम मुक्त भी ऑलरेडी हैं लेकिन ये सारे बंधन में हम खुद ही बंधे हुए हैं मतलब हमारे मन और ईगो ने हमारा कंप्लीटली आत्मा को इग्नोर करके अपने जो है ना रस्सी में बांध रखा है कि मैं ऐसे करूँगा गुरु धारण करूँगा ये करूँगा ये दान दक्षिणा करूँगा और तब मुझे मुक्ति मिलेगी मुक्ति तो हम मुक्ति हम हम मुक्त हैं हम सेल्फ रियलाइज हैं लेकिन हमने खुद को बांध रखा है यही प्रॉब्लम है मैत्री अब कहती है हे hey, भगवान आपकी कथा सदा अमृत रूप होती है उसके सुनने से मेरा हृदय हर्ष को प्राप्त हो जाता है आपकी कृपा से मुझको अनुभव हो गया कि मेरा चेतन आत्मा ब्रह्म है इस शरीर रूपी मंदिर विषय में कल्याण रूप शिव हूँ मेरा नाश कभी नहीं है मैं अवस्था रहित हूँ जो मैं जागृत में हूँ सोई मैं सोपन में हूँ सोई मैं सुसुप्ति में हूँ तीनों अवस्था और उसके व्यवहार का मैं ज्ञाता हूँ जैसे राजा की निराकार शक्ति लेकर सब नौकर चाकर राजा के विलास के लिए नाच रंग कूद आदि अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं वैसे ही मेरे चित्त विलास के लिए मेरी शक्ति को लेकर मन इंद्रिया आदि जो मेरे भरते हैं नौकर अनेक प्रकार के व्यवहार को करते हैं और मैं उनका और उनके व्यवहारों का दृष्टा होकर शांत रूप से स्थित हूँ राग द्वेष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के धर्म हैं अक्षुधा पिपासा प्राण के धर्म हैं और जन्म मरण स्थूल शरीर के धर्म हैं मैं इन सब धर्मों से रहित हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मेरे को अब कुछ भी करते हुए नहीं है याग बलक कहते हैं हे मैत्री अब दूसरे प्रकार के ज्ञानी की वृत्ति का हाल तुमको सुनाता हूं सावधान होकर सुनो यह विवृतवादी कहलाते हैं इनका अनुभव इस प्रकार है कि संसार न है न हुआ है और न होगा जो कुछ दिखाई देता है वह केवल अधिष्ठान आत्मा में भाष आया है और इसलिए असत्य है जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न में भाष आती है और जागृत या सुसुती होते ही नष्ट हो जाती है वैसे ही यह संसारी सृष्टि अज्ञान दिशा में भासती है भासती का मतलब दिखाई देती है अनुभव में आती है ज्ञान होते ही इसका कहीं पता नहीं लगता है हे मैत्री ईश्वर के สมष्टि मन द्विती ईश्वर की सृष्टि संपूर्ण जगत भास आता है और जीव के विशिष्ट मन विषय जीव की सृष्टि भास आती है जब ईश्वर का मन ब्रह्म लहू ब्रह्म ब्रह्म लह हो जाता है तब कुल सृष्टि यकायक अभाव को प्राप्त हो जाती है और जीव का मन जब सुसुप्ति विषय ईश्वर में लय हो जाता है तब जीव की सृष्टि का पता नहीं लगता है इसे तुम गई कि कुल का आधार मन है, जिस विषय में मन लग जाता है वही दिखाई देता है और उससे इतर अलग वस्तु का अभाव रहता है सुनो एक दिन एक राजा की सवारी निकली उसके साथ घोड़े हाथी तोप बंदूक प्यादे सवार बड़ी धूमधाम से जाते थे राह में एक बूढ़ा आदमी चित्र लगाए हुए रेखा गणित के एक उपसिद्धांत को सिद्ध कर रहा था उसको नहीं मालूम हुआ कि कब राजा की सवारी आई और कब गई हे मैत्री एक बार सुखदेव महाराज राजा जनक के पास ब्रह्म विद्या पाने के निमित्त गए और उपदेश हो चुकने के पीछे उनकी स्थिति ब्रह्म विषय देखने के लिए राजा जनक ने जनकपुरी में भारी उत्साह की आज्ञा दी भारी उत्सव की आज्ञा दी और उनके अनुसार कहीं कोकिल वैनी अप्सराएं सुंदर सबर ताल में गान करती थी वैनी अप्सराएं सुंदर सबर ताल में गान करती थी कहीं गाजे बाजे बज रहे थे कहीं नाटकशाला में नटनी कूद फांद कर रही थी कहीं विद्वानों का वाद विवाद हो रहा था कहीं मल्लों का अखाड़ा जमा हुआ था ऐसा धूमधाम मचा था कि इंद्र लोग से देवता भी विमानों पर बैठे हुए गगन मंडल से ऐसे सुंदर दृश्य को देख रहे थे जब भर्तियों ने राजा से आन कर कहा कि आज नगर में चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है विषयों का उमंग छा गया है एक एक कौतुक तपसियों के मन को हरने वाला है इस प्रकार का समाचार पाकर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि आप नगर के उत्साह को देख आइए परंतु हाथ में एक कटोरा तेल तेल मेरे कहने से लेते जाइए गिरने पावे। इसका ख्याल रखिएगा सुखदेव जी महाराज ने ऐसा ही किया नगर भर फिरे तेल की तरफ से वृत्ति ने हटाई जब राजा के पास वापिस आए राजा ने पूछा आपने क्या क्या देखा उन्होंने उत्तर दिया कि शवय तेल की ओर मैंने कुछ नए देखा ये कंसंट्रेशन की जो है उदाहरण है यह सुनकर राजा बड़े हंसी और कहा सुखदेव आप जन्म से ब्रह्मनिष्ठ हैं आपका मन सदा ब्रम से लीन रहता है जैसे आपका मन तेल में लीन था और सिवाय तेल के और कुछ नहीं देखा इसी प्रकार ज्ञानी की वृत्ति निरंतर आत्मा में लगी रहती है और संसारी वस्तु कुछ नहीं दिखाई देती है हे मैत्री जो जगत कुछ हो तो दिखाई देवे यह जेव यह जे, जे जेवड़ी मतलब रस्सी विशेष सर्प की तरह भागता है ऐसे सर्प का नाश केवल जेवरी जेवरी का मतलब रस्सी के ज्ञान से ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं है हे मैत्री संसारी सृष्टि वैसे ही भासती है जैसे मनुष्य सृष्टि भासती है ईश्वर में संकल्प किसी प्रकार का कर लेना सृष्टि है जैसे एक ही पुरुष विषय बाबा नाना दादा ससुर शाला आदि के संकल्प कर लिया जाता है किसी का वह बाबा लगता है किसी का नाना किसी का दादा किसी का ससुर और किसी का शाला इस प्रकार किसी शरीर में ब्राह्मण माना गया है किसी में अक्षत्रीय किसी में वैश्य और किसी में शूद्र विचार करने से यह व्यवहार झूठा प्रतीत होता है इसी प्रकार जीवों के शरीर में भी असत्य हैं, जहाँ जीव गमन कर गया शरीर एक अक्षर मात्र भी नहीं ठहरता है ऐसे अपवित्र अमंगल दुर्गंधि से भरी वस्तु को कौन रखने की इच्छा करना चाहता है यह न जाता है न आता है प्रारब्ध कर्म के फल भोगार्थ जीव स्थूल शरीर को रच लेता है और जाति इसमें त्याग देता है लिंग शरीर अलबत्ता जीव के साथ जाता है और आता भी है और जितना ही उसकी वृद्धि नीचे या ऊपर को होती है उतना ही शरीर को दुख या सुख होता है और जब मन जो लिंग शरीर के गण में मुख्य है ब्रह्म के साथ आनंद को पाकर लय हो जाता है, तब जीव भी आवागमन से रहित होकर जहां पर है वहीं अपने अधिष्ठान चेतन रूप ही हो जाता है उसी अवस्था को लोग मुक्त कहते हैं हे मैत्री जीव अंतकरण विशिष्ट चेतन और चेतन का आभास को मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका लिंग शरीर जो पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय पांच प्राण मन बुद्धि चित, अहंकार का बना है इस प्रकार शुद्ध कर नृत्य करके प्रकृति से उत्पन्न हुई मन को हरने वाली सुंदरता सावलता से भरी हुई सुख का उद्दीपन करने वाली फल फूल वृक्ष पशु आदि स्त्री पुरुष को देखें और मन बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि परमात्मा की शक्ति लेकर कैसे कैसे पदार्थ आश्चर्य तेज से बनाए हैं और वह तेज विशेष अंश को प्राप्त होकर ब्रह्मांड को भस्म करने वाला हो सकता है कान करके ईश्वर का गुणानुवाद सुने और मन बुद्धि आदि करके विचार करें कि एक अति सूक्ष्म शब्द से इतना बड़ा आकाश पैदा हुआ है जिसमें सारा ब्रह्मांड असंख्य तारों सहित लटक रहा है और शब्द में यह है विभव है कि आजीवित को जीवित कर दे में घृण द्वारा सुगंधि को भोगें और मन बुद्धि करके विचार करें कि ईश्वर की शक्ति लेकर माया ने गंध से इतनी बड़ी पृथ्वी रची है कि जिसका यह है विभव है कि यावत संसार में भोग्य पदार्थ हैं वे सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और वे जीवों के जीवन में प्रथम तत्व हैं जीव द्वारा सब भोगे पदार्थों का स्वाद लेवे और मन-बुद्धि करके अनुभव करें कि रस करके इतना बड़ा भारी प्रताप वाला समुद्र जल दिखाई दे रहा है जो सब प्राणियों के जीवन का आधार है तबक इंद्रिय करके स्पर्श का सुख भोगे और मन बुद्धि करके विचार करें कि इसी स्पर्श से इतना बड़ा बलवान ब्रह्मांड का उड़ा देने वाला वायु उत्पन्न हुआ है जो जीवों के जीवन में मुख्य तत्व तो है वाणी करके ईश्वर का गुणानुवाद करें और मन बुद्धि करके विचार करें कि संसार के व्यवहार का कारण यही है कि और भी इसी के द्वारा सिद्ध होता है यदि वाणी नहीं होती तो वेदादिक का कुछ भी नहीं होती यह अग्नि के रजोगुण का प्रभाव है हाथ करके शुभ कार्य करता रहे और दीन दुखियों को दान देता रहे और मन और बुद्धि से विचार करता रहे कि वायु के रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है यह भोग्य पदार्थों के एक, एकत्र करने में मुख्य साधन है पाद इंद्रिय करके अच्छे अच्छे महात्माओं का दर्शन करें और उनका सत्संग करके अपने आत्मा को जानें और मन बुद्धि द्वारा विचार करें कि यह पाद इंद्रिय आकाश के रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह भोग्य पदार्थों के उत्पन्न करने में बड़ा भारी सहायक है बुधानंद्रिय करके मल का त्याग करें और मन बुद्धि करके विचार करें कि यह सब इंद्रियों और अंतकरण के सुधार में मुख्य कारण है और पृथ्वी के रजोगुण से उत्पन्न हुआ है जितना ही यह शुद्ध रहेगा उतना ही अंतकरण शुद्ध रहेगा और लिंग करके मूत्र का त्याग करें और सब भारिया को रजो के पश्चात वीर्य दान दें और दान देते समय परमात्मा से या अपने ईष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुए वह धर्म पर चलने वाला हुए और संसार का हित करने वाला हुए वह आपका भक्त हुए यह जल के रजोगुण से उत्पन्न भया है और छोटी सृष्टि के उत्पन्न करने में ब्रह्मा समझा जाता है पांचों प्राणों को जो पांचों तत्वों के रजोगुण से उत्पन्न हुए भाई हैं, आदर पूर्वक पूजें और विचारे कि सब इंद्रियों का और अंतकरण का दर्म दार इन्हीं पर है और भोजन करते इसमें इनको हर एक का नाम देकर भाग देवे यथा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ये जो है प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांच प्रकार के प्राण हैं हे मैत्री जीव के आने जाने का ये प्राण वाहन है जब पुरुष का समय निकट आ जाता है तो ये प्राण पाद से निकलकर ऊपर को जाता है और जो-जो ऊपर जो को जाता है त्यों-त्यों नीचे का भाग ठंडा होता जाता है जब ये प्राण गुदा के पास पहुंचता है <clears throat> तब गुदा को देवता गणेश स्पर्श वार हो जाता है और फिर गुदा अपना काम नहीं देती है जब प्राण लिंग के पास पहुंचता है तब लिंग से सिद्ध देवता ब्रह्मा उस पर सवार हो जाता है और तब लिंग इंद्रिय अपना काम नहीं दे सकता जब प्राण नाभि तक पहुंचता है तब उस स्थान जैसे सिद्ध विष्णु देवता उस पर सवार हो जाता है और वाणी का निकलना बंद हो जाता है जब प्राण हृदय कमल के पास पहुंचता है तब उस जगह का रहने वाला शिव देवता उस पर सवार हो जाता है और सब ज्ञान इंद्रियों के देवता और मन बुद्धि चित्त अहंकार झट झट उस पर बैठ जाते हैं जब प्राण देखता है कि सब सवार हो गए तब जो मार्ग कर्मानुसार खुल पाता है उस मार्ग से निकल जाता है और जहाँ जीव जाना चाहता है वहाँ प्राण पहुँच सब देवताओं को उनकी जगह पर उतार देता है और आप पांच रूप होकर सारे शरीर में हो जाता है और जीव राज पर बैठ अपने मंत्रियों सहित राज करने लगता है मौत का दृश्य दिखाया है हे मैत्री जब पुरुष इस प्रकार विचार करता है तब उसको मालूम हो जाता है कि लिंग शरीर जो मेरे साथ अनादि काल से चला आया है मेरे से कोई वास्ता नहीं रखता है वह और है मैं और हूँ उसके नाम से मेरा नाम सुनिए वह शरीर है मैं शरीर ही हूँ ज का मतलब जो शरीर का स्वामी है जैसे मकान के गिर जाने से मकान में रहने वाला अलग हो जाता है वैसे ही लिंग शरीर के नाम से अविनाशी जीव पृथक हो जाता है और तब ही वह पुरुष मुक्त कहा जाता है हे hey मैत्री तुम विचार कर सकती होगी ब्रह्म कितना शक्तिमान है जिसकी इच्छा से उत्पन्न हुए रज तम सत्व के स्थूल व सूक्ष्म कार्य यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि कैसे बलवान हैं और वृद्धि को प्राप्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर रखा है जिधर देखो इन्हीं की धूप मची है परंतु ज्ञान उदय होते होते ही इनका पता नहीं लगता है जैसे सूर्य के उदय होते ही तम का पता नहीं लगता है हे मैत्री बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है और तुम कौन हो मैत्री महारानी उत्तर देती है सर्व खलविदम ब्रह्म किंचन यह कहकर हो गई भारिया और श्रीवाग महाराज भी चुप होते भय और दोनों आनंद में मगन हो गए गुरु और शिष्य के भाव का अभाव हुआ देह की स्थिति का पताने लगा दोनों की आत्मा समष्टि आत्मा में एक एकतम भाव को प्राप्त हो गया और संवाद की समाप्ति हुई ये व्यष्टि मतलब हमारा जो आत्मा है शरीर में और व्यक्ति मतलब एक, एक, एक यूनिट समझ लो, और पूरा ब्रह्मांड की जो आत्मा है परमात्मा जिसको हम कहते निर्विकल्प समाधि छा गई सब और अमृत की वर्षा होने लगी अहो भागे उनके जो ऐसा दुख को दूर करने को संवाद को सुनने का अवसर पाते हैं जब श्रीमती मैत्री देवी और श्री महाराज समाधि से उठे तो अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा जहाँ रजोगुण की विभूतियाँ विराजमान थी वहां पर अब शतोगुण की शांत रस को धारण किए हुए एक अलौकिक दृश्य को दिखा रही हैं। चंद्र सूर्य से निकले हुए प्रकाश ऐसे प्रिय लगते हैं जैसे संत महात्माओं के नेत्र से निकले हुए शीतल प्रकाश समीपस्थ पुरुषों के तप्त तो हृदय को प्रशांत करते हैं पृथ्वी ऐसी कोमल हो रही है मानव सुख देने वाली माता अपने प्रिय लड़कों के पालन करने के लिए आनंद मंगल करती हुई बहु के भोजन करने के लिए उदित हो रही है नदी का जल ऐसे धीरे धीरे है बहरा मध्य शिष्य गणों को अपनी शांत शुद्ध वाणी से उनके हृदयगत मल को बहा रहे हैं वृक्ष आदि ऐसे चुपचाप खड़े हैं मानो देवता लोग विष्णु महाराज की स्तुति चित लगाकर कर, कर रहे हैं उस समय की समा को मैं क्या बयान करूं? मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं अगर मैं भी ऐसे के पास बैठा होता अब महाराज मैत्री से पूछते हैं कि ही मैत्री इस समाधि में तुमको कुछ मालूम भया या नहीं मैत्री बोलती हैं हे भगवान मुझको निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म रूप हूँ यह सारा प्रपंच जगत मेरे में फुर रहा है सुसूप्ती अवस्था में यह सूक्ष्म रूप से स्थित है स्वप्न में भी यही अपने अंदर दिखाई देने लगता है और मैं इसका दृष्टा रहती हूँ और जागृत में यही अपने से बाहर दिखाई देता है और तब भी मैं उसका दृष्टा हूँ मेरे में घटना बढ़ना बदलना कुछ भी नहीं है मैं अखंड एक रूप एक रस मतलब आत्मा आत्मा घटना बढ़ना बदलना मन आदि में होता है मैं अपने को सदा जानती हूँ जब मैं सुसुप्ति में होती हूँ तब भी मैं अपने को जानती मतलब मैत्री ने जान लिया है कि मैं ना मन हूँ ना मैं ईगो हूँ ना मैं शरीर हूँ मैं केवल आत्मा तो ये आत्मा बन के मैत्री जवाब दे रही हैं कि मैं हूँ क्योंकि सोकर जब उठती हूँ तब कहती हूँ कि मैं सोई थी यदि मैं अपने को सबस था मैंने जानती तो कैसे उठ कहती कि मैं सो गई थी यह स्मृति ज्ञान बिना जाने हुए के नहीं होता है हे भगवान मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गई हूँ कभी इससे हटूंगी नहीं महान आश्चर्य है कि ऐसे अद्वितीय मेरा स्वरूप है और मैं ही सारे जगत की कर्ता और अकर्ता दोनों हूँ याग्ञवेल कहते हैं हे मैत्री तुम सत्य कहती हो जो कुछ देखती हो सत्य चित आनंद है इससे इत्र और कुछ नहीं इत्र का मतलब अलग जब आमर फल भली प्रकार पक जाता है और खाया नहीं जाता है उसमें असंख्य कीड़े विहार करने लगते हैं उनको भी सुख दुख मालूम होता है अगर वे कीड़े पहले से ही सूक्ष्म स्वरूप करके न रहते तो फल के पकने पर न प्रतीत होती और अनगणित कीड़े भर में भरे हैं ऐसा कोई भाग नहीं है जो कीड़ों यानी जीवों से शून्य हो सब जीव करके पूर्ण है और जीव ही चेतन है इसी प्रकार सारे वनस्पति भर का हाल जान लेना जैसे पृथ्वी पर जीव हैं वैसे ही जल में वैसे ही अग्नि वायु आकाश में वैसे ही जितने लोग लोकांतर हैं सब में भरे हैं चेतन महाराज की धूम मच रही है जो विचारवान पुरुष हैं वे बारंबार उसको दंडवत करते हैं और जो अविचारवान है उनको कुछ दिखता नहीं है चेतन महाराज मुद्र आत्मा मैत्री हे स्वामीन अब मुझको यह नाटक शाला बहुत प्रिय लगती है इसको देख करके और इसको अपने आधार से शून्य पाकर के और निर्व्य निराकार अगोचर आत्मा के आश्रय नाचता हुआ देख करके मैं अति प्रसन्न होती हूँ याज्ञवल कहते हैं हे hey, मैत्री आज तक किसी ने ईश्वर की ने माया की शक्तियों का हाल जान पाया है न कभी कोई जान पावेगा इस अलौकिक दृश्य को देख करके मगन हो आनंद उठाओ और जो कोई प्यारा मिले उसको ज्ञान उपदेश कर आनंदित करो अब चलो कुटी को चलें और ओ, ओम हरी ओम हरी ओम हरी दोस्तों ये जो जो समाप्त था यहां पर होता है ये जो है ब्रह्म विद्या का और आत्म विद्या का बहुत बड़ा संवाद ये हमारे उपनिषदों की बहुत बड़ी देन है हमारे उपनिषद जो है ब्रह्म ज्ञान और आत्म विद्या से भरे हुए हैं लेकिन देखिए दुर्भाग्य है कि हम भूले बैठे हैं लोगों तो ये भी नहीं पता कि उपनिषद होता क्या है चलो दोस्तों अब मेरे वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हम दोस्त अपना सनातन धर्म की सेवा करने का सोच रहे हैं उसमें आप भी सहायक बने नमस्कार नमस्कार नमस्कार